हाय फ्रेंड्स, आप मेरे लेटेस्ट अपडेट्स अपने मेल में पाने के लिए youtube.com/hindi-techtutes टाइप करके यहाँ सब्सक्राइब बटन प्रेस करिए। अगर आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करोगे तो हर दिन मैं जो कुछ भी लेटेस्ट अपडेट्स लाता हूँ ना, वो सीधा आपके मेल पर आ जाएंगे। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैं आपको एक केबल के बारे में यानी OTG केबल के बारे में बताया था। वो OTG केबल का इस्तेमाल करके एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को चार्जिंग किस तरह करते हैं मैंने दिखाया था ना, ठीक है। तो देखिए, OTG केबल के बिना OTG केबल के भी देखिए आपको एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को चार्जिंग कर सकते हो, और भी बहुत सारे फीचर्स है इस मोबाइल इस चार्जिंग पिन के बारे में। तो देखिए, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहाँ से ख़रीद सकते हो। इसका देखिए 999 रुपीस है, लगभग 1000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। इसकी खासियत ये है कि देखिए, आपको इसके ऊपर दो पिन्स मिल जाएंगे। इसका पिन रिमूव करके आप इसको आईफोन को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, एट द सेम टाइम आप एंड्रॉयड मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो एक मोबाइल से चार्जिंग दूसरे मोबाइल पर कर सकते हो, ठीक है। और देखिए, आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को डाटा भी ट्रांसफ़र कर सकते हो इस केबल के ज़रिए, ठीक है। इसकी खासियत ये है, ठीक है, वो देखिए, दो मोबाइल आपको एंड्रॉयड ही होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक आईफोन पड़ा हुआ है और आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में का डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए आप एक तरफ आईफोन का चार्जिंग केबल कनेक्ट कर दीजिए, दूसरी तरफ देखिए आप एंड्रॉयड का कनेक्ट कर दीजिए, और उसमें एक ऑप्शन आएगा आपको, उसको इनेबल कर दीजिए। आप आसानी के साथ मूवीज और इमेजेस को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हो, एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड या एंड्रॉयड टू आईफोन को भी इसे ट्रांसफ़र कर सकते हो इस केबल के साथ। देखिए, इस वीडियो में आपको क्लियर से दिखाई देगा इस केबल की क्या कहते हैं लेंथ भी बहुत बड़ी है, ठीक है। और देखिए, इसका केबल का क्या कहते हैं क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। देखिए, आपको बहुत लंबा सा केबल मिल जाएगा, और अब देखिए इसको कितना भी खींचोगे ना तो ये टूटने वाला नहीं है। बहुत स्टैंडर्ड दिया गया है, 1000 रुपये का कीमत है ना, तो उतना ही पावरफुल ये केबल भी है, ठीक है। तो देखिए, इस तरह से आप माइक्रो USB कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो और एक फ़ोन से दूसरे मोबाइल को कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छा फीचर ये है कि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, ये बहुत अच्छा फीचर है इसमें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन प्रेस करिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, गूगल प्लस के जरिए इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलिए। थैंक यू।